चनक में चनक को बेहोश समझकर अनिरुद्ध कर डालेगा इजहार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है जनक बेहोश हो जाएगी यहाँ पर ड्रिंक की वजह से, जो किसी और ने सृष्टि ने ही उसे पिलाया होता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध को भी वो नशा चढ़ चुका है। देखने को मिलता है कि अप्पू यहाँ कर आकर सबको बताती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि जनक के मुँह से खून निकल रहा है और यहाँ जनक कहीं नहीं मिल रही है और सब लोग ढूंढ लेते हैं फिर भी जनक कहीं नहीं मिलती। अनिरुद्ध अपने आप को रोक नहीं पाता है, सबके सामने भागकर यहाँ पर जनक को ढूंढने निकलता है जो कि बेहोश पड़ी होगी। और जनक को उठाकर बाहों में अनिरुद्ध उससे अपने दिल की बात कह देता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो जनक मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और देखने को मिलता है कि जनक के मुंह से सच में खून निकल रहा होता है और जनक के साथ अब यहाँ पर जो है ड्रिंक के साथ कुछ और भी मिलाकर पिला दिया गया है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाएगी और अनिरुद्ध उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर जनक की जान बचाते नजर आते हैं और वहीं पर अनिरुद्ध का बुरा हाल हो जाता है। जनक का हाल देख कर रो रो कर वो अपना हाल बुरा कर देता है। उसकी जो फीलिंग्स है वो साफ नजर आ जाती है कि जनक से अनिरुद्ध प्यार करने लगा है। ये देखकर सृष्टि और अर्शित दोनों के होश उड़ जाते हैं।